इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब रूस ने भारत पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। 1801 में रूसी सम्राट जार पॉल ने भारत पर आक्रमण करने की खतरनाक योजना बनाई। पॉल का मानना था कि रूसी सेना ब्रिटेन को हराकर मध्य एशिया और अफगानिस्तान के जरिए भारत पहुंच सकती है। उन्होंने फ्रांस से भी मदद मांगी। उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था जो भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इतिहासकारों का कहना है कि पॉल और नेपोलियन ने मिलकर भारत पर विजय प्राप्त करने की योजना पर चर्चा की। पॉल की योजना में 35,000 फ्रांसीसी और 35,000 रूसी सैनिकों को अस्तरखान, वर्तमान ईरान में मिलना था, जिसका उद्देश्य ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए भारत पहुंचकर ब्रिटेन को हराना था। हालांकि नेपोलियन ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें विश्वसनीय आपूर्ति मार्ग के बिना घर से हजारों मील दूर शत्रुतापूर्ण मध्य एशियाई क्षेत्रों से सैनिकों को मार्च करना शामिल था। इससे विचलित हुए बिना पॉल ने अपनी बात जारी रखी। जनवरी 1801 में उन्होंने खतरनाक कोसैक रेजिमेंट के एक शीर्ष कमांडर को भारत पर आक्रमण करने की तैयारी करने का आदेश दिया। हालांकि रूसियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास भारत तक पहुंचने के लिए सटीक नक्शे नहीं थे और वहां ब्रिटिश सेना की ताकत के बारे में उन्हें बहुत कम जानकारी थी।